आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 4 अगस्त को जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है 11th क्लास के लिए, 11th क्लास ये उस स्टूडेंट के लिए बैच खुलने जा रहा है, ये बैच शुरू होने जा रहा है जो बच्चे ये 2020 में 10th क्लास तुरंत पास किए हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए हम 4 अगस्त को नया बैच अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी देखिए आप लोगों से जुड़े हुए जितने सारे लोगों जितने को आप जोड़ सकते हैं उस बच्चे को आप इस संस्था से जोड़िएगा। देखिए गवर्नमेंट का परमिशन मिल जाएगा तो आपको ये क्लास ऑफलाइन हो जाएगा, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलेगा तो ये क्लास आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। वो भी कब से अवेलेबल रहेगा? 4 अगस्त से, यह बैच 4 अगस्त 2020 से ये बैच आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग जितने भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हैं या आपको जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको आप फिलहाल जोड़ सकते हैं। चलिए तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऑफलाइन क्लास चलेगा नहीं, आप बोलते हैं कि सो हमको ऑनलाइन तब तक क्लास चलेगा, तो सर ये तो बताइए कि ऑनलाइन हम कैसे जुड़ सकते हैं ये तो थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बात होगी। तो देखिए अब ऑनलाइन इस कोचिंग से आप ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं इसका पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए इस कोचिंग से ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपके पास कई सोर्सेस है जहां आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है आप ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपकी ग्रुप बन जाएगी, ग्रुप बना लिया आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पहली बात ये हो गया, पहला है आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, ये तो व्हाट्सएप पर आप जुड़ ही सकते हैं। दूसरा है टेलीग्राम पर देखिए कुछ नहीं करना है, ये इससे बहुत आसान है टेलीग्राम, इस पर आपको सर्च करना है एसके सुमन मैथमेटिक्स। चलिए इस पर आपको टेलीग्राम पर ऐसे फायदा ये होगा कि आपका चूंकि लॉकडाउन है, बाहर का समय है, आपके पास बुक नहीं होगा, कोई नोट्स नहीं होगा, तो सारे बुक सारे नोट्स सारे पीडीएफ आपको इसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा आप हमको ढूंढ सकते हैं, सुनिएगा, तीसरा आप हमको कैसे ढूंढ पाएंगे? तो तीसरा आप हमको ढूंढ पाएंगे फेसबुक पर। देखिए फेसबुक पर आप कैसे ढूंढ पाएंगे? तो फेसबुक पर आपको सर्च करना है एसके सुमन सर्च कीजिएगा, फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए चौथा है आप हमको यूट्यूब पर खोज सकते हैं। यूट्यूब पर कैसे खोजेंगे आप? तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए आप एसके सुमन सर सीतामढ़ी बिहार, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। पांचवा है प्ले स्टोर। देखिए प्ले स्टोर पर कैसे आप, प्ले स्टोर पर इस कोचिंग का अपना ऐप है एसके सुमन मैथ क्लासेस। देखिए इससे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मेरा एक ऐप मिलेगा, समझ लीजिए इस ऐप को, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप में जुड़ना है तो कॉल करके आप उसमें जुड़वा सकते हैं, प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करने के बाद, समझ लीजिए प्रोसेस जरा समझिएगा,
प्ले स्टोर पर एसके सुमन मैथ क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपको इस कोचिंग का ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 7301883518 पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो आगे का प्रोसेस इस नंबर पर आपको समझाया जाएगा। व्हाट्सएप भी करके आप समझ सकते हैं और आप लोगों को इस ऐप को खोलने के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपको इस नंबर पर दे दिया जाएगा। चलिए तो ये आपका आप समझ में आ गया होगा। प्ले स्टोर पर एसके सुमन मैथ क्लासेस सर्च करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 7301883518 पर कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो उनसे बात कर लीजिएगा और बात करने के बाद आपको मिल जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड, फिर ऐप पर आप पढ़ पाएंगे। चलिए ये तो पांच नंबर हो गया। छठा नंबर पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप लैपटॉप से पढ़ते हैं या कंप्यूटर से पढ़ते हैं, समझिए लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा skesuman.inx.com। इस पर आपको इस ऐप का टोटल फैसिलिटी मिल जाएगा जो आप इस प्ले स्टोर पर पढ़ पा रहे हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सात नंबर है, इस कोचिंग का अपना वेबसाइट है। इस कोचिंग का अपना वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? skesuman.mathclasses.in। देखिएगा इसमें आपको तो इसका अपना वेबसाइट है skesuman.mathclasses.in। आप इतना माध्यम से इस कोचिंग से जुड़ सकते हैं। देखिए अब बहुत स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा है, हम इसी संस्था से क्यों जुड़े? समझ लीजिए तो इस संस्था से आप यदि जुड़ते हैं तो ये जो है ये 10th के बाद आप जितने भी मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहेंगे 11, 12, IIT, JEE, मेन एडवांस, BSc, BCA, MCA, MSc, NDA एंट्रांस, चाहे जितना भी एंट्रांस होता है बिहार इंजीनियरिंग, JNU, BHU, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं जो सारे चीज का प्रिपरेशन आपको एक प्लेटफॉर्म पर बड़े आसानी से आपको हो जाएगा। और आप लोगों को ये बात अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड तो चलेगा ही। बोर्ड का देखिए यहाँ पर आपको दो वीडियो मिलेगा, एक वीडियो मिलेगा जो आधे घंटे 35 मिनट 30 मिनट का जो भी हो वो आपको प्योर बोर्ड लेवल या बोर्ड से थोड़ा ऊपर मिलेगा, और एक वीडियो आपको ऐसा मिलेगा जो IIT JEE लेवल होगा, एंट्रांस बिहार इंजीनियरिंग हो या IISER हो या NDA हो या इस सब के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को, और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। जितना आपको पेमेंट की बातें होती हैं वो आपको उसी पेमेंट और उसी टाइम में, बहुत बच्चा आप सब देखिए, बहुत बच्चे चूंकि नए नए बिहार बोर्ड पास किए चाहे मैट्रिक पास किए तो उनके मन में घबराहट रहता है कि सर हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अरे बहुत क्या पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप बोर्ड के साथ साथ सभी एंट्रांस एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि केवल बोर्ड आप ना पढ़ें, बोर्ड के साथ साथ एंट्रांस भी तैयारी कर ले, क्योंकि वक्त लौट के किसी का नहीं आता है। जो पढ़ लीजिएगा सो पढ़ लीजिएगा और दो साल आते आते इतने ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप खुद बोलिएगा कि सर हम एंट्रांस एग्जाम निश्चित रूप से देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को फिलहाल अभी चूंकि
कोरोना वायरस के कारण या बाढ़ के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन जो है अभी फिलहाल जुड़िए। और वैसे भी जो बाहर के बच्चे हैं, जो यहाँ लोकल बच्चे नहीं है, बाहर बाहर के बच्चे, उनका कहना है कि सर ऑफलाइन हम कैसे जुड़ पाएंगे, हम तो बाहर के हैं। तो देखिए जो ऑनलाइन चल रहा है वो चलता रहेगा, बस जो लोकल बच्चे होंगे उनके लिए जब सब नॉर्मल होगा तो ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, लेकिन ये ऑनलाइन कभी बंद नहीं किया जाएगा। तो आप बेधड़क जुड़िए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसके लिए आप लोगों को 2-4-5 वीडियो जो है आपको मिलेगा इजीली, कि आप देखिए आपको समझ में आता है नहीं आता है। तो मैं बोलूंगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो एंट्रेंस लेवल तक का अभी ही पढ़ लीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन है, आगे आपकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा मेहनत, पैसे तो उतने ही खर्च होंगे, बस थोड़ा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत कर देने से इतनी अच्छी चीजें आपको मिल जाएगी, तो क्या दिक्कत है। जब पढ़ाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों पीछे हट रहे, आप भी पढ़िए। तो चलिए, ये तो थी ऑनलाइन कैसे जुड़े, इस कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाएगा आपको बता दिया गया है। 2 वीडियो पैरेलल चलेगा, एक चलेगा आईआईटी जेई के लिए, आईआईटी जेई या बिहार इंजीनियरिंग या एनडीए या आईआईएससीआर या बीएचयू या पटना यूनिवर्सिटी, ये जो तमाम यूनिवर्सिटी है या जो एंट्रांस एग्जाम होते हैं 11th-12th लेवल के, उनकी प्रिपरेशन, उसमें आप जानते होंगे एनडीए और आईआईएससीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर स्टूडेंट का सपना होता है। तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा। तो एक अलग चलेगा बोर्ड का, जो बच्चे केवल बोर्ड पढ़ना चाहें तो भाई केवल बोर्ड वाला वीडियो देखिए। आपका मन है कि नहीं सर हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए, कहीं आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो चलिए, ये तो थी नॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब आता हूं कि हम लोगों को सिलेबस क्या पढ़ना है, हम लोगों को सिलेबस क्या पढ़ना है, आज इसी पर चर्चा। और आप लोगों को हम एक चीज बता दें, टेलीग्राम चैनल पर 2 दिन पहले हमने इसका टोटल सिलेबस और कैसे कैसे क्या होगा वो हमने जारी कर दिया था टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा बात को आगे हम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि 11th क्लास के लिए सिलेबस कितना है। सबसे पहली बात कि हम लोगों का जो मैथ होता है वो टोटल मार्क्स कितने का होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, टोटल मार्क्स 100 होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि 11th के लिए आप लोगों को बोर्ड वाला एग्जाम नहीं होता है, स्कूल लेवल का ही एग्जाम होता है। तो हम लोग, लेकिन देखो एक बात और आप लोगों को बताते हैं कि जो बच्चे का सपना है कि पढ़ के कुछ बनना है, वो आप ये मत देखिएगा ये 11th है 12th है क्या है, वो जरूर पढ़ते हैं। और जिनका सपना है ऐसे ही कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है निकलना है, मैं सजेशन आपको एक फ्री में सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा कभी आप न सोचे कि थोड़ा पढ़िए आगे बढ़िए, क्या हो गया 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत ही कर लूंगा और अच्छा चीज हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत पड़े तो पड़े, बोर्ड के साथ साथ आप एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं, टोटल मार्क्स 100 होता है इसका। अब आपको हम इसका बताने जा रहे हैं कि क्लास 11th के लिए, अब आप लोगों को यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। सुन लीजिए आप लोग, ये पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, इंडिया लेवल क्या बाहर भी वही बात है कि 11th क्लास का जो सिलेबस चाहे कोई भी बोर्ड हो लगभग लगभग सेम रहता है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या होगा कैसे होगा। चलिए,
पहले हम काउंट डाउन पढ़ाते हैं। फर्स्ट में देखिएगा, पहला है, फर्स्ट में है सेट थ्योरी। देखिए इस सेट थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। देखिए इसका जो क्लास इलेवेंथ है, इस सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सेट थ्योरी का हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। देखिए तो समुच्चय है आपका सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। इसमें आप लोगों को सबसे पहला पढ़ना है सेट, ठीक है। और तो सेट का मतलब समझिए रहे हैं, सेट का मतलब होता है समुच्चय। अच्छा ठीक है। दूसरा है रिलेशन, दूसरा है रिलेशन। तो रिलेशन ये हो गया संबंध। और तीसरा है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हो गया फलन। ये मैं बात कर रहा था, पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। बहुत बच्चा कह रहा है सर कितने मार्क्स का होता है, तो देखिएगा हम एवरेज लिख सकते हैं। ये होता है एवरेज 5 to 10 मार्क्स। ये जो सेट थ्योरी होता है ना, वो एवरेज होता है 5 से 10 नंबर का। देखिए एक बात और आप लोगों को बोलते हैं, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप रेगुलर पढ़ते रह जाते हैं 4 तारीख से ही, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आपको ये फील भी नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं रहेगा, बस आप रेगुलर होइएगा, छोड़िएगा मत। तो चलिए ये मैं बात कर रहा था फंक्शन। चलिए दूसरा, अब दूसरा मैं बात करने वाला हूं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है अलजेब्रा। देखिए सेकंड नंबर पर है अलजेब्रा। अब इस अलजेब्रा में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बीजगणित। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, बीजगणित। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। दूसरा है लिनियर इनइक्वेशन। दूसरा है लिनियर इनइक्वेशन। तो लिनियर इनइक्वेशन है इसको बोलते हैं रैखिक असमीकरण। देखिए एक बात आपको बताते हैं, चूंकि आप लोग अभी नए हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को फील होगा कि इंग्लिश मीडियम हार्ड होता है, इसीलिए आपका हिंदी लिख रहा हूँ। लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो में रेगुलर, इंग्लिश हिंदी कुछ न बिगाड़ेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग सी नंबर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, लिनियर इनइक्वेशन, सी नंबर में हम लोग आएंगे। यहाँ पर हम लोगों का परमुटेशन। देखिए परमुटेशन, परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय बोलते हैं, ठीक। डी नंबर में है कॉम्बिनेशन। डी नंबर में है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन को हिंदी में संचय बोलते हैं। और ई नंबर में है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। देखिए एक बात आपको बताते हैं, जिन बच्चे का इंग्लिश ठीक ठाक है उसको हिंदी नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
बस आप केवल इंग्लिश लिखिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हम लिख रहे हैं। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो अलजेब्रा है ये कितने मार्क्स का होता है, तो देखो एवरेज यहाँ पर लिख रहा हूँ 30 to 40 मार्क्स, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है 11th क्लास में। ये आपको 35 से 40 नंबर का, अब इसमें और है ई नंबर हो गया बाइनोमियल थ्योरम। आइए इसके बाद एफ नंबर में है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें आप लोगों को एपी है, जीपी है और एचपी। सीक्वेंस एंड सीरीज में यहाँ पर तीन चीज पढ़ना होता है, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है। इसके बाद जी नंबर की बात करता हूं, तो यहाँ पर है सीक्वेंस एंड सीरीज का हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अनुक्रम तथा श्रेणी। क्लियर है? अब देखिए सॉम स्पेशल सीरीज तो हो जाएगा कुछ विशेष श्रेणी, ये मैं बात कर रहा था। और सबसे लास्ट में देखिए एच नंबर है, हालांकि ये जो मैं एच नंबर लिख रहा हूँ बुक में ये सबसे पहले रहता है, तो यहाँ पर एच में जो है टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। देखिए ये था आपका अलजेब्रा का सिलेबस, 35 से 40 नंबर में आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। साइंस से हम तो यही बोलेंगे कि साइंस से ही पढ़िए, क्योंकि कुछ तो दिमाग बढ़ेगा, कुछ तो सीखेंगे। और आर्ट कॉमर्स में आप लोग कुछ पढ़ते हैं और कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ तो सीखिएगा। और आपका एग्जाम सिस्टम भी बहुत ईजी हो गया है, तो हम तो यही बोलेंगे कि पढ़िए, मजे में पढ़िए, साइंस ही पढ़िए आप। तो ये मैं बात कर रहा था अलजेब्रा का, ठीक है। अब तीन नंबर में हम लोग आते हैं, थर्ड नंबर में है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी सब बच्चा जानता होगा। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। अब इस त्रिकोणमिति में अब आप पूछिएगा कि सर ये कितने मार्क्स का है, तो इसको एवरेज लेकर के चलिए 10 to 15 मार्क्स। और एक बात याद रखिएगा इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, एक बात याद रखिएगा, ये 11th के लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये 12th के लिए, बहुत जरूरी है ये 10 to 15 मार्क्स। और इसमें देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता। तो पहला चैप्टर होता है इसमें मेजरमेंट ऑफ द एंगल। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ ही, एंड
इट्स एप्लीकेशंस, और इसका जो एप्लीकेशन है वो सब आप लोगों को बी नंबर में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले थे सी नंबर में। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों की बातचीत चल रही है सी नंबर में हम लोगों का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। इसके आगे डी नंबर में है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए बात वही है, किसी बुक में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लिखता है और किसी बुक में जो है वो लिखता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और ई नंबर में जो है ये है ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। चलिए अब आप लोग कह रहे हैं सर किसका हिंदी न लिखाए हैं, तो हम बोल रहे हैं आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिए। ए वाले का हिंदी हुआ मेजरमेंट ऑफ एंगल, का हिंदी हुआ कोण की माप। लिख लीजिए सब लोग, मेजरमेंट ऑफ द एंगल का हिंदी हुआ कोण की माप, ठीक। बी नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन, या सर्कुलर फंक्शन मतलब वृत्तीय फलन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बी नंबर का हिंदी क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय या वृत्तीय फलन तथा उसका अनुप्रयोग। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग या प्रयोग, ठीक। डी नंबर जो आप लोग देख रहे हैं सी नंबर सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, सी नंबर का हिंदी लिख लीजिए त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। सी नंबर का हिंदी लिख लीजिए त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, ठीक। डी नंबर में देख लीजिएगा, डी नंबर का जरा हिंदी लिख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का हिंदी क्या हो गया, त्रिभुज का हल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के गुण। इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के हल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के गुण, दोनों सेम है। ई नंबर का हिंदी लिख लीजिए आप लोग, ई नंबर का हिंदी लिख लीजिए ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हिंदी हो गया त्रिकोणमितीय फलन का आलेख। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हिंदी लिख लीजिए त्रिकोणमितीय फलन का आलेख। तो चलिए ये था आपको ट्रिगोनोमेट्री का सिलेबस पर हम बात कर रहे थे आपसे, ये ट्रिगोनोमेट्री के सिलेबस पर हम बात कर रहे थे। तो चलिए अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं चार नंबर पर लेते हैं, ये है 2D। तो 2D का मतलब क्या हो गया, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए ये जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका एवरेज लेकर के चलिए 15-20 मार्क्स, इसका एवरेज आप लेकर चलिए 15-20 मार्क्स। आइए अब आप कहेगा कि सर इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो सबसे पहला पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड
इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलिए इसके बाद अगला है, इसका दूसरा टॉपिक बनता है, इसका दूसरा टॉपिक बनता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तीसरा टॉपिक बनता है इसका, तीसरा टॉपिक इसका बनता है एबीसीडी, आप लोग कर लीजिए, आप लोगों को परेशानी होता है। तीसरा टॉपिक बनता है इसमें सर्किल, और चौथा टॉपिक इसका डी नंबर बनता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में क्या आएगा? तो कॉनिक सेक्शन में आपको मिलेगा पैराबोला, एलिप्स, पैराबोला एलिप्स, हाइपरबोला। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये है 2D का सिलेबस। विद्यार्थी कह रहा है सर बड़ा कौन, अभी इसके अंदर ना चैप्टर सब छुपा हुआ है, मेन मेन टॉपिक लिखे हैं। चलिए अब जो विद्यार्थी हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी लिख लीजिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिंदी हुआ कार्तीय नियामक पद्धति। हिंदी लिखने वाले लोग लिख लीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिंदी हुआ कार्तीय नियामक पद्धति एंड तथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। तो इसका हिंदी कौन सा हो गया? कार्तीय नियामक पद्धति तथा उसके महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए तो ये हमारी आपकी बातचीत चल रही थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। चलिए दूसरा है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का हिंदी कौन सी होता है? सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। सी नंबर में सर्किल, सर्किल माने वृत्त। सी नंबर में सर्किल, सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। और डी नंबर में है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन का हिंदी हुआ शंक्वाकार परिच्छेद, जिसमें पैराबोला जिसको हम परवलय कहते हैं, एलिप्स जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं, और हाइपरबोला जिसको हम अति परवलय कहते हैं। देख लीजिएगा कोनिक सेक्शन में तीन चैप्टर आपको पढ़ना है, पैराबोला जिसको हम परवलय कहते हैं, एलिप्स जिसको हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं, हाइपरबोला जिसको हिंदी में हम हाइपरबोला जिसको हिंदी में अति परवलय कहते हैं। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका कुछ टॉपिक आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, उससे आगे इसमें बढ़ाया जाएगा। चलिए ये तो था 4 नंबर में, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में जरा देखते हैं तो क्या होने वाला है। 5 नंबर में है 3D, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर एकड़ हिंदी तो बताए ना करते हैं, सुनिए ध्यान से। तो 2D का हिंदी हो गया 2 बिनी, आ कोऑर्डिनेट माने होता है नियामक, आ ज्योमेट्री माने होता है गणित। इसको पढ़ेंगे 2 बिनीय नियामक गणित, नियामक ज्यामिति, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी हो गया नियामक ज्यामिति, 2D है तो 2 बिनीय हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 3 बिनीय नियामक ज्यामिति है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत कम का है 11th में, ये 12th में आपको फुल टेलर दिखाएगा, इसमें छोटा सा टेलर दिखा के रह जाएगा। तो विद्यार्थी कहा कि सर ये कितने मार्क्स का है? तो ये है आपका बहुत कम, 3 to 5 मार्क्स, ये बहुत कम मार्क्स का है। अब विद्यार्थी कहा कि सर
इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत कम चीज इसमें पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए तो ये बात हो रही थी, इसका हिंदी आप समझ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया मूलभूत सिद्धांत एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का मतलब हो गया महत्वपूर्ण सूत्र। बस इसमें यही एक चीज पढ़ना है, 3 से 5 मार्क्स में कैसे पढ़ना होगा। तो ये मैं बता रहा था आपको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर में आते हैं। छठा नंबर में देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। देखिए अगर कीजिएगा प्रोबेबिलिटी, अब जो प्रोबेबिलिटी आप लोग देख रहे हैं, अब ये प्रोबेबिलिटी आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के आए हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी का हिंदी भी आप लोग जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, प्रायिकता। इस प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। जो लोग हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। यहाँ देख लीजिए, ये है प्रायिकता, ये हो गया प्रायिकता। ये लीजिए, प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। ये कितने मार्क्स का पूछ सकता है, सिलेबस कितने का है, तो सिलेबस इसका देख लीजिएगा, ये है 5 to 10 marks। ये है आपका 5 to 10 marks। ये देखिए प्रोबेबिलिटी में ये हो गया 5 to 10 marks। चलिए थोड़ा सा मामला को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा है टाइप्स ऑफ इवेंट। देखिए ज्यादा इसमें पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर है टाइप्स ऑफ इवेंट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया मूलभूत सिद्धांत, और टाइप्स ऑफ इवेंट का हिंदी हुआ घटना की प्रकार। हिंदी लिखने वाले लोग लिख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का हिंदी हुआ मूलभूत सिद्धांत, और टाइप्स ऑफ इवेंट जो बी नंबर है उसका हिंदी हुआ घटना के प्रकार। ये था प्रोबेबिलिटी का सिलेबस। चलिए अब आगे हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोगों का प्रोबेबिलिटी के बाद आपको आएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को हम लोग संख्यांकी बोलते हैं, ठीक है। तो संख्यांकी जो आप लोगों को, अब ये कितने मार्क्स का है, तो देखिए जनरली पूछिएगा तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, ये जो आप जनरली पूछिएगा तो ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा में इसको पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहिए, नॉलेज के दृष्टिकोण से अच्छा है, जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसीलिए इसका मार्क्स नहीं लिखा, इस स्टैटिक्स में क्या पढ़ना होगा, तो इस स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है, देखिएगा पढ़ना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, इसके बाद है वेरियंस, और सी नंबर में है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और डी नंबर में है कोएफिशिएंट,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम यहां पर बात कर रहे थे, जरा गौर कीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सबका हिंदी लिख दीजिए, मीन डेविएशन का हिंदी हुआ माध्य विचलन, माध्य विचलन। मीन डेविएशन का हिंदी हुआ माध्य विचलन, विचलन, विचलन। अच्छा, वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विचरण, वेरिएंस मान होता है विचरण, विचरण। वेरिएंस का हिंदी होता है विचरण। अच्छा, सी नंबर में है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका हिंदी होता है मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन का हिंदी लिखिएगा मानक विचलन। और डी नंबर में है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाँ, तो कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक और वेरिएशन का मतलब होता है विचलन, तो विचलन गुणांक, इसका हिंदी होगा विचलन गुणांक। समझ गए, होइएगा, हिंदी लिख लिए आप लोग। चलिए, मीन डेविएशन का माध्य विचलन, वेरिएंस का विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मानक विचलन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हो गया विचलन गुणांक। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब सात नंबर हो गया है, आठ नंबर में जरा देखिएगा। तो ये है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग हिंदी क्या होगा, गणितीय गणितीय तर्कशास्त्र। देखिए, ये सब भी टॉपिक तो अच्छा है, टॉपिक तो अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सिलेबस से आउटर चीज है। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या, सॉरी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानना है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना ही पड़ेगा, कुछ नहीं जानते इसके बारे में आप लोग, ए नंबर में। और दो नंबर में है लॉजिकल, लॉजिकल कनेक्टिव। चलिए, तो ये आप लोग पढ़िएगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे सिलेबस को तो उस समय आप लोगों से बातचीत तो होगी, अभी ऐसे ही आपको सिलेबस के बारे में समझा रहा हूं। चलिए, अब ये आठ नंबर हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। चलिए, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है सुन लीजिए, अब है यहां पर कैलकुलस। अब कैलकुलस जो आप देख रहे हैं ये है कलन शास्त्र, कैलकुलस ये रहा आपका कलन शास्त्र। तो इस कैलकुलस में देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैक्सिमम जो पढ़ाने वाले लोग हैं, आप चूंकि जानते नहीं हैं तो आप लोगों को बारगेल करते हैं, आपको ये समझा सकते हैं कि ये केवल ट्वेल्थ का टॉपिक है, ट्वेल्थ में पढ़ना है। देखिए, हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, उस टीचर से आप डिस्कस कीजिएगा कि सर इलेवेंथ में पढ़ना है, इलेवेंथ में पढ़ना है, कम मार्क्स का पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। और एक बात जान लीजिएगा, इसमें जो पढ़ना है वो आप यदि नहीं पढ़े रहिएगा और डायरेक्ट ट्वेल्थ पढ़ जाइएगा, डायरेक्ट ट्वेल्थ में इसको स्टार्ट कीजिएगा, तो काफी आपको परेशानी होगा, क्योंकि इलेवेंथ में कैलकुलस 5 मार्क्स का होता है और ट्वेल्थ में कैलकुलस 50 मार्क्स का होता है, 10 गुना है सीधा, तो आप लोगों को काफी परेशानी हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि टीचर के झांसा में मत आइए, आप टीचर को बोलिए कि सर आपके पास कोई बुक होगा, बुक उठा लीजिए, बुक उठा के टीचर को बोलिए कि सर इलेवेंथ का सिलेबस हमको इलेवेंथ में पढ़ा दिया जाए, ट्वेल्थ का सिलेबस ट्वेल्थ में देखा जाएगा।
तो चलिए ये कैलकुलस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। इस कैलकुलस से आप लोगों को कितना मार्क्स हो सकता है, तो यहाँ से आपको हो सकता है 3 to 5 मार्क्स। देखिएगा इस कैलकुलस का हो सकता है 3 to 5, ठीक है। अब आप लोगों का इसमें बोला कि सो सर सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस देख लीजिएगा लिमिट, और दूसरा सिलेबस है डिफरेंशिएशन। देखिए आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि 11th का जितना सिलेबस है वो सब आपको 11th में पढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए कि 12th में भी इसकी जरूरत है तो दोबारा पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे ना होगा कि घाटा होगा, तो इसीलिए 11th का सिलेबस 11th में, 12th का सिलेबस 12th में। तो लिमिट का हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिमिट माने होता है सीमा, लिमिट माने क्या होता है सीमा, और डिफरेंशिएशन माने होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, अवकलन अ व क ल न अवकलन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। ये जो है आपका ये तो रहा सिलेबस, सुन लीजिए आप, केवल इतना पढ़ के आप छोड़ दीजिएगा तो आप लोगों को, ये तो हुआ बोर्ड लेवल का, चलिए ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दूसरी बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में मैथ का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अब जो हम आपको लिखने जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा, लेकिन बहुत जरूरी है 11th में फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी 11th लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो बिहार इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे वो BHU वाला हो, या वो साइंटिस्ट के लिए IISER हो, तो ये जो भी आपको पड़ेगा इस सब के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, स्टार लगा लीजिए और टॉपिक को चेंज कर दीजिए, हेडलाइन लगाइएगा सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स। देखिए सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर पर हमारी आपकी बात चुकी, सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर है जिसकी आपको जरूरत इसमें पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं ए नंबर में, सम एक्स्ट्रा चैप्टर में, तो सम एक्स्ट्रा चैप्टर में सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को आता है लॉगरिथम। देखिए ये मैथ में ना जितना जरूरी पड़ेगा उससे ज्यादा जरूरी पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। देखिएगा ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया हम लोगों को लॉगरिथम की बात, दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा, देखिए इसमें पढ़ाएंगे आपको हम डिफरेंशिएशन बाय द चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय द चेन रूल। देखिए चेन रूल से आपको डिफरेंशिएशन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत हेल्प कर सकता है। तीसरे नंबर पर आपसे बातचीत होगी सी नंबर में इंटीग्रेशन। देखिए हालांकि हमको पढ़ाना है 12th में बी और सी जो लिखा हूं ये आपको पढ़ना है 12th में, लेकिन चूंकि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, एंट्रेंस एग्जाम लेवल तक जाना है, तो आपको इसकी जरूरत हो सकता है।
अच्छा डी नंबर में देखिए, तो आपको इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत, डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, जरूरत है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ई नंबर में है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये तो ई नंबर था, एफ नंबर क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आप लोग जानते हैं इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं लिखे हैं। इसके बाद एफ नंबर में सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू और थ्री वेरिएबल्स। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों को हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का जल्द ही पढ़ाएंगे। देखिए इसके लिए वेट नहीं करना है, ये टॉपिक जल्द ही पढ़ा दिया जाएगा आपको, जल्द इसलिए पढ़ा दिया जाएगा कि ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में केमिस्ट्री पढ़ने में कोई समस्या नहीं। तो ये मैं बात कर रहा था आपको जो सिलेबस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा इस पर हमने बात किया आपसे। अच्छा तो यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा आपको, तो देखिए ये दो पार्ट में बटेगा। एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा योर बोर्ड एग्जाम्स, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, आप 11th में पढ़ते हैं तो 11th का, 12th में पढ़ते हैं तो 12th का, तो यहाँ पर आपके बोर्ड का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक अलग से वीडियो मिलेगा। दूसरा है कि कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा फॉलोइंग एंट्रेंस एग्जाम, नीचे जो हम एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिखे हुए हैं, आपके घर में कोई पढ़े लिखे लोग हो या जान पहचान वाले हो उनसे बात कीजिएगा कि ये मेरे मैथ वाले सर का ये ब्लू प्रिंट है पढ़ाने का, जरा देखिए गड़बड़ है कि सही है। IIT JEE मेन एडवांस बिहार इंजीनियरिंग NDA जो काफी अच्छा है, UPSC का ये एग्जाम होता है, इसके बाद IISER इससे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये पटना यूनिवर्सिटी हो गया, और ये एग्रीकल्चर के लिए जो बच्चे बाद में 12th करने के बाद एग्रीकल्चर का एंट्रेंस देते हैं तो उन बच्चों के लिए ये सब आपको प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोर्ड केवल पढ़ना चाहे तो उसको हम जबरदस्ती थोपेंगे कि तुम यहो पढ़ो, अब तेरी मर्जी है तो दोनों पढ़ लो, पैसा तो उतना ही लगेगा, समय उतना ही लगता है, तो आप मर्जी, मैं तो बोलूँगा दोनों पढ़ लीजिए, लेकिन आपका मन हो कि नहीं भाई हमको केवल बोर्ड ही पढ़ना है तो यही पढ़ के रह जाइएगा। इसके बाद इस पर डिपेंडेंट 11th 12th पर डिपेंडेंट जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे उन सब का आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। अब आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है, डिसीजन अब आपका है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम नहीं बोलते हैं प्लेटफॉर्म तो बहुत मिलेगा, लेकिन डिसीजन आपको करना है, समय उतना ही, खर्च उतना ही, दिमाग उतना ही, तो हम केवल बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं कि बोर्ड के साथ साथ हम एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना चाहिए, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं।
और हमारी आपकी मुलाकात होगी अब आप 4 तारीख को जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसी दिन स्टार्ट करूंगा, जो स्टार्ट होगा वीडियो में देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात अब होगी 4 अगस्त को।